हेलो एंड वेलकम बैक टू यूरबन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एस सी एफ सिस्टम की एक और अनदर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एस सी एफ की तरफ से ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग हुई थी एंड उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हुए थे, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। पॉइंट नंबर वन पर बताया गया है एस सी एफ का सिंगापुर वाला जो हेडक्वार्टर है उसका मार्च 2025 तक का रेंट पे कर दिया गया है। पॉइंट नंबर दो पर बताया गया है ग्लोबल सीईओ पोजीशन पर बहुत जल्द यूएस कंपनी से किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जाने वाला है। सिंगापुर का ऑफिस आगे भी एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर के रूप में वर्क करता रहेगा एंड अब इसके सीईओ मिस्टर माइकल वांग होने वाले हैं। सीईओ ने जो ग्लोबल सीईओ की पोजीशन से रिजिग्नेशन लेटर दिया था कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी कुछ समय से मिस सीईओ कंपनी की डायरेक्शंस के अगेंस्ट वर्क कर रही थी जिस वजह से उनके सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है एंड वो कुछ बड़े बड़े लीडर्स को अदर प्रोजेक्ट्स में ले जाने की भी कोशिश कर रही थी। एस सी एफ की तरफ से और भी सब लोगों को वार्निंग दी गई है कि अगर आप किसी और प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हुए पाए गए तो आपके अकाउंट भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि कंपनी इस तरह के चेंजेस क्यों कर रही है एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी को स्कैम ही करना होता तो वो अपनी एप्लीकेशन को स्विच ऑफ करके एंड सर्वर को स्विच ऑफ करके अब तक स्कैम करके कंपनी यहाँ से चली गई होती, लेकिन वो आज भी सिस्टम को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी कुछ समय बाद हांगकांग, मकाऊ, जापान, ताइवान में दोबारा से अपना बिजनेस रीओपन करने वाली है। भी लोगों ने यूएसडीटी में प्लेजिंग, स्टेकिंग एंड मोर्टेज में इन्वेस्टमेंट किया था, अगर वो यूएसडीटी में विड्रॉल करने के लिए सोच रहे हैं तो वो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आने तक वेट करें। आप भी एफ यू एच डी एंड एस सी एफ को कैश आउट करने की सोच रहे हो तो उसको करने का एक ही तरीका, सबसे पहले आपको एफ एस एल में कन्वर्ट करना होगा एंड एफ एस एल को पैनकेक स्वैप पर जाकर यू एच डी टी के साथ स्वैप करके उसको कैश आउट कर सकते हो। कंपनी का अभी पूरा फोकस एफ एस एल की लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप पर बिल्ड करने पर है। कुछ समय बाद कंपनी एस सी एफ एफ एस एल और एफ यू एच डी एफ एस एल के पेयरिंग में स्वैपिंग स्टार्ट करने वाली है। तो अगर अभी आपके पास एस सी एफ और एफ यू एच डी है तो उसका फिनसोल पर जाकर गेम खेलें। गेम खेलने के बाद आप एफ एस एल को माइन कर पाएंगे, अब एफ एस एल को आप यू एच डी टी के पेयरिंग में स्वैप कर पाएंगे। पान के ओकासा में 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है एंड उसमें माइकल वॉन प्रेजेंट होने वाले हैं। इन सब डिटेल्स को सुनने के बाद मेरी और आप सबकी ऐसी हालत होने वाली है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब सिया हेडक्वार्टर का रेंट जमा कर दिया गया है। एस सी एफ एफ एस एल एंड एफ यू एच डी एफ एस एल की पेयरिंग में पैनकेक स्वैप पर स्वैपिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, एट द एंड रिजल्ट यही निकल कर आता है कि एस सी एफ इकोसिस्टम सिवाय एमएलएम स्कीम के कुछ नहीं है। एंड आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।